शिक्षा से वंचित छात्राओं के लिए सड़क पर आने तैयार युवा मोर्चा, तो वहीं शासन की महती योजना शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत हुए प्रवेश प्रक्रिया में त्रुटि की शिकायत की गई। भारतीय जनता युवा मोर्चा के बैनर तले गुरुवार को बड़ी संख्या में भाजपा जिला अध्यक्ष भिलाई के नेतृत्व में दुर्ग जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। शिक्षा विभाग के द्वारा की जा रही लापरवाहियों की शिकायत की। इस दौरान उन्होंने शासन की महती योजना शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत हुए प्रवेश प्रक्रिया में हुई त्रुटि को लेकर स्कूल प्रबंधन और शिक्षा विभाग की लापरवाहियों का खामियाजा स्कूल में प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राओं को भुगतना पड़ रहा है, जिससे पीड़ित पालकों ने भी हुई इस गड़बड़ी की शिकायत दुर्ग कलेक्टर से की। बहुत दिक्कत हो रही है सर। पहले तो हम लोग एडमिशन करवा लिए, एडमिशन कराने के बाद बच्चे के लिए कॉपी पुस्तक बुक सब खरीद लिए, बच्चे पढ़ने भी चले गए। पढ़ने के बाद 6 तारीख को फ़ोन आता है कि आप लोग को स्कूल से निकाल दिया गया है। वहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिया गया तो उन लोग कुछ बताने के लिए तैयार नहीं थे कि क्या चीज़ के लिए निकालें, क्या उन लोग बोल रहे हैं कि सीट अवेलेबल नहीं है। किस लिए नहीं है बता रहे हैं, पोर्टल की गलती है। पोर्टल की गलती कैसे हो सकती है सर, इसमें कोई भी जवाबदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। कलेक्टर से मुलाकात हुई, कलेक्टर साहब ने कहा है कि कल बैठक बिठाएंगे, उसके बाद ही कुछ बता पाएंगे करके। गया था स्कूल से कॉल आया था कि बच्चे का एडमिशन करने आ जाइए करके, बुक कॉपी सब खरीद लिए थे। बच्चा स्कूल जाने लग गया, उसके बाद बोलते हैं कि गलती से नाम आ गया है, डीओ ऑफिस जाना है आपको, ऐसे बोल के डीओ ऑफिस आए थे। हम ऑफिस में बोले कि ऊपर से गलती है, रायपुर से गलती हुआ है, हम लोग से कुछ नहीं हो सकता बोले। नाम नक्ष साहू है, मैं कॉन्ट्रेक्टर कॉलोनी सुपीला भिलाई। हम लोग का लिस्ट में नाम आया था शारदा विद्यालय रामनगर का, तो हम लोग वहाँ पता करने गए तो जब भी जाते थे तो बोलते थे कि आपका लिस्ट में नाम नहीं आया। जब हमने पता किया तो लिस्ट में नाम आ चुका था, लेकिन वहाँ बोले कि अभी नाम नहीं आया, आपको फ़ोन आएगा। लास्ट एंड टाइम में हमको 30 तारीख को लास्ट डेट था एडमिशन का, उसमें बोला गया कि हम लोग के यहाँ सीट अवेलेबल नहीं है, इसलिए आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। आपको आप जिला शिक्षा अधिकारी में कोई राजदीप सर है, उनसे जाके बात कर लीजिए। वहाँ गए तो बोले हाँ उनके यहाँ सीट नहीं है, आप दोबारा भर लीजिएगा। और संशोधन के लिए हम अभी करने जा रहे हैं तो हमको वो भी करने नहीं दिया जा रहा है। पोर्टल भी नहीं खुल रहा है ना, कुछ हो नहीं रहा है। और इसमें दिखा रहा है कि छात्र पढ़ना नहीं चाहता, ये पोर्टल में लिख के आ रहा है आवेदन की स्थिति में, प्रिंट करने के बाद ये लिखा हुआ है और आप देख सकते हैं। एक बहुत गंभीर विषय आया था RTI के थ्रू, 25% सीटों पर आरक्षण होता है गरीब वर्ग के लोगों का। यहाँ पर आरक्षण हुआ, बच्चों को एडमिशन दिया गया और एक स्कूल में जाने लगे बच्चे, ड्रेसें खरीद ली, किताबें खरीद ली। उसके बाद शिक्षा विभाग ने उसमें से 600 बच्चों को जिनको एडमिशन दिया था उनका एडमिशन निरस्त कर दिया। और उसमें गलती बता रहे हैं कि पोर्टल की गलती थी, पोर्टल की गलती कहाँ हो गया। अभी हमने कलेक्टर साहब से बात किया, कलेक्टर साहब बोले पोर्टल वोटर की कोई गलती नहीं होती है। और ये जो हुआ है गलत हुआ है, बहुत गंभीर विषय है, आप इसको लेकर के आए हैं, ये हमारे शासन की बदनामी का मामला है, हम इसको बुला रहे हैं। कल उन्होंने कमेटी बुलाई है, कमेटी बुला कर जो 600 गार्जियन बेचारे परेशान हैं, 600 बच्चे परेशान हैं, उनको लेकर के इसमें न्याय की बात उन्होंने बोली है कि हम इसको न्याय दिलाएंगे, सारे बच्चों को उनका एडमिशन फिर से जो निरस्त हो गया है कराएंगे, और इसमें अगर कोई भी और त्रुटि होती है तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। तो ये बहुत गंभीर विषय था। हर स्कूल से 25% बच्चों को लिया जाता है, लेकिन नहीं लिया गया, मतलब सब छोटी चीज़ ले करके, और बच्चों ने किताबें खरीद ली, कापी खरीद ली, ड्रेसें खरीद ली, और ड्रेस कापी के लिए भी उनकी जगह फिक्स हो जाती है कि आप यहाँ ड्रेस खरीदोगे, यहाँ कापी खरीदोगे, बाकी जगह आपको ड्रेस मिलेगी नहीं, बाकी जगह कापी किताब मिलेगी नहीं। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट ने एक छूट दी हुई है और उस छूट का वो बच्चों को फ़ायदा मिलना चाहिए, गरीब गार्जियन को फ़ायदा मिलना चाहिए, उसका फ़ायदा उनको नहीं मिल रहा है। और शासन के कर्मचारी अधिकारियों के द्वारा लापरवाही करके, बदमाशी करके और निजी स्कूलों को फ़ायदा पहुंचाने का काम किया जा रहा है, इसका भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा भरपूर उसका विरोध करेगा। आज हम कलेक्टर से मिले हैं, कलेक्टर साहब ने हमारे बोलने से कल उसकी कमेटी बुलाई है। कमेटी में अगर गार्जियन जो हैं उनके पक्ष में निर्णय होता है तो उसका स्वागत करेंगे हम, और अगर नहीं होता है तो भारतीय जनता पार्टी, युवा मोर्चा इसके लिए जो भी करना पड़ेगा, सड़क पर उतरना पड़ेगा सड़क पर उतरेंगे और बच्चों को न्याय दिला के रहेंगे। ब्रजेश बिचपुरिया, भारतीय जनता पार्टी जिला भिलाई अध्यक्ष। कौन से स्कूल का मामला? सारे स्कूलों का मामला है। 600 बच्चे हैं, जिसमें मुख्य रूप से अभी शिकायतें जो शारदा विद्यालय। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।